बैठ के बोलो तो भी वही कंडीशन है, खड़े होकर बोलो
नाना बहुत मुश्किल होता है वाटर की केस में लेते हैं यहाँ पे तो लिखिएगा
case of liquid, in case of liquid, in case of liquid, the relative density is, the relative density is, in case of liquid, the relative density is, defined as क्या defined as relative density is defined as the ratio of defined as the ratio of density of the substance ratio of density of the substance to the density of water at 4 degree centigrade आप वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो रिलेटिव डेंसिटी होगा बेटा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिखाई होगा। अब उनका ना रोड पे जो लेके पी लेते हैं वो तो अलग वाले होते हैं।
चले ठीक है, आप कुछ नहीं जानते, चलो देखो। तो जब मैंने इंटरेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो बोला कि यहाँ पे क्या वाटर है, तो अल्कोहल की बात किया। केमिस्ट्री पढ़ा होगा वहाँ, देखा हो या ना देखा हो, केमिस्ट्री वहाँ पे पढ़ा होगा अल्कोहल होते नहीं, कितने बताएंगे अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल और नॉट, अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल और नॉट। पीने वाली बात छोड़ दो यार, अपनी केमिस्ट्री देख लो, वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। जबकि अगर आयन आप लेते तो वाटर में संयोजन नहीं होता। आप केमिस्ट्री आयन ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, या घर में आपके असोसिएशन के तेल यूज करते हो उसको ले लो, मिलता है जुलता है क्या? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो सार्बन क्यों होता है, ये क्यों कम होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी सबसे कम, डेंसिटी कम होने की वजह से कार्बन होगा बेटा। ये कहाँ से काम कर रहे थे? हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन कार्बन बोल है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैपेबिलिटी अल्कोहल में होता है। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है, कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए सार्बन होता है, साफ हल्का और भारी से नहीं, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसलिए सार्बन होता है। जब तो स्टेबल बार क्या हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक चलो रुकने की बात है, तब पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। चलो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से दिखाते वैसे हम लोग वेट क्या बोल रहे थे, रिलेटेड यानी कि डेंसिटी जो आपकी होगी, अगर दो सोल्यूशन को या दो लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हैं तो उनका मिक्सर की डेंसिटी क्या होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए, डेंसिटी ऑफ मिक्सर ऑफ टू आर फोर लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ मिक्सर ऑफ टू आर फोर लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ मिक्सर ऑफ टू आर फोर लिक्विड, दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को अगर मिक्सर कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, टू टू आर मोर लिक्विड, दो या दो से ज़्यादा को मिलाए थे बेटा तो डेंसिटी क्या होगी। अब समझ लो, अभी आपकी एप्लीकेशन है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं पूछा जाना कि आपको डेंसिटी, कभी कभी ले जाइए बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन मारते हैं, बाकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, लेकिन डेंसिटी आप मिक्सर, डेंसिटी आप दो लिक्विड है बेटा, ठीक है, उनके मास आपको लिए गए हैं और उनका क्या डेंसिटी दिया गया है, मास दिया है डेंसिटी दिया है, या मास दिया है वॉल्यूम दिया है डेंसिटी दिया है, एक फैक्टर दिया रहेगा, मास देगा डेंसिटी या वॉल्यूम को डेंसिटी दिया रहेगा। तो उसके अगर पूछा जाए बेटा उनका रिलेटिव मिक्सर की डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेंसिटी इक्वल टू आपने पढ़ा बेटा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय क्या सपोज है दो लिक्विड्स हैं जिनके मास एम वन एंड एम टू हैं और डेंसिटी की वैल्यू रो वन एंड कितना है, दो लिक्विड्स लिए गए उनके मास एम वन एंड एम टू हैं और उनकी डेंसिटी जो है वो रो वन एंड कितना है, दो टू, दो बात चीजें भी समझ में, रो वन एंड क्या है, रो टू है, एक की डेंसिटी रो दूसरे की रो टू है। अगर इन दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया तो कंडीशन दी जाएगी या तो मास और डेंसिटी दी जाएगी या तो वॉल्यूम और डेंसिटी दिया जाएगा, ठीक। तो उसके इसमें क्या होगा, अगर हमें निकालना है कि मिक्सर की डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, वॉल्यूम दिया रहेगा तो वॉल्यूम के वॉल्यूम और डेंसिटी से आप मास निकाल लेना, अगर मास और डेंसिटी दिया है तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए उनको लेट करके। तो उसके इसमें अगर डेंसिटी हम निकालेंगे तो डेंसिटी रो की वैल्यू होगी टोटल मास एम वन प्लस एम टू, टोटल वॉल्यूम सपोज है वी वन प्लस कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम आपको नहीं दिया है तो वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम गिवन नहीं है वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं है बेटा तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अरे लिखा भी ये रो की वैल्यू होता था एम बाई बी और बी की वैल्यू एम बाई रो का सकते हैं ना भाई, वॉल्यूम जो होगा मास बाई क्या डेंसिटी का क्या निकाल सकते हो, तो यहाँ वॉल्यूम की जगह पे क्या करेंगे देखो एम वन प्लस एम टू का काम रो की वैल्यू होगी बेटा एम वन अपान क्या रो वन प्लस एम टू अपान कितना रो टू एम टू बाई रो, एम वन प्लस एम टू अपान क्या एम वन क्या बाई रो वन प्लस एम टू बाई कितना हो गया रो टू के बराबर हो गया। अगर यहाँ पे ये लेते हैं मासेस दोनों के सेम सेम, अगर दोनों जो लिक्विड लिए गए हैं कि मासेस कैसे लिए हैं सेम
सेम सेम उस केस में जो डेंसिटी होगा टू टाइम का डेंसिटी आप क्या कोरेट ऑफ डेंसिटी आप किस लिख रहे आप सम ऑफ डेंसिटी आप होते हैं मतलब दोनों जो लिक्विड हैं उनकी डेंसिटी का टू टाइम का कोरेट ऑफ डेंसिटी आप क्या सम ऑफ डेंसिटी आप होते हैं उसके रेशियो से हम लोग निकाल लेते हैं जो लिक्विड की डेंसिटी होगी यहाँ से मिल जाता है तो अगर आपको डायरेक्ट मास और डेंसिटी दिया है मास से डिफरेंट है तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे और अगर दोनों की डेंसिटी आपकी मास है तो आपको कहते हैं अलग अलग की बजाय सेम सेम हो जाए और डेंसिटी डिफरेंट है तो मिक्सर की डेंसिटी यहाँ से आप डिटरमाइन करेंगे अब ये बताओ आपकी जो बिहेवियर है आप तीनों चीज के ये बता दो कि अगर उनका दो लिक्विड हैं उनकी मास अलग अलग है और डेंसिटी सेम डेंसिटी दोनों का सेम है दोनों की मास अलग है दोनों को मिला दिया तो जो मिक्सर की डेंसिटी होगी वो बदल जाएगी या वही रहेगी दो लिक्विड हैं उनके मासेस सेम से सॉरी मासेस अलग अलग हैं डेंसिटी सेम है अगर दोनों को मिक्स करता तो सोचे नहीं कैसे पूछा जा सकता है अगर उनके डेंसिटी सेम सेम थे मास अलग अलग से दोनों को मिक्स कर दिया गया तो डेंसिटी बदल जाएगा या वही रहेगा and having masses M1 and M2 and having masses
m1 and m2 are vector. M1 and m2 are vector. M1 and m2 are vector. Then density of the mixture, then the density of the mixture will be given by, density of the mixture will be given by टोटल वॉल्यूम यहाँ से सिखाएंगे
वन बी टू, वहाँ मासेस दिया था और डेंसिटी दिया था, आपकी बार डेंसिटी दिया है और बालून दिया है, तो डेंसिटी जो आपका होगा टोटल मास अपान कितना, टोटल जो मास आपका होगा अपान टोटल बालून हो जाएगा, टोटल मास एम वन प्लस एम टू टोटल बालून वी वन प्लस वी टू। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो डेंसिटी आपको दी जा रही है, आपकी बार बेटा बालून दिया है मास नहीं दिया है, पिछले वाले में मास दिया था बालून नहीं दिया था, तो बालून अगर मास इकट्ठे होता बालून की डेंसिटी तो ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो वन बी वन प्लस रो टू बी टू अपान बी वन प्लस क्या बी टू, तो रो की वैल्यू आपको मिल जाएगी रो वन बी वन प्लस रो टू बी टू अपान रो क्या बी वन प्लस बी टू, ये आपका डेंसिटी हो गया बालून के टर्म में। जैसे वहाँ पर लिया था एम वन इकट्ठी एम टू, यहाँ बी वन इकट्ठी बी टू का भी चेंज बेटा ये हो गया, बी वन की वैल्यू हमारे बी टू के बराबर हो, बी वन और बी टू आपस में कैसे हैं सेम सेम हो और इसी की वैल्यू हम बी ले लेते हैं, तो रो की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू बी, रो वन इंटू बी प्लस रो टू इंटू बी अपान बी वन प्लस कितना बी प्लस बी टू कर लो बी प्लस बी टू बी होगा, देखो ऊपर बी कॉमन हो जाएगा तो बी ब्रैकेट में आएगा रो वन प्लस रो टू अपान टू बी, देखो बी भी कैसे तो रो की वैल्यू आगे बेटा रो वन प्लस रो टू बाई कितना, रो की वैल्यू जो होगी आपके रो वन प्लस रो टू बाई क्या होगा टू के बराबर होगा, रो की वैल्यू जो होगी रो वन प्लस रो टू बाई क्या टू के इक्वल आपका हो जाएगा, वहाँ पे क्या आया था दोनों मान से बराबर था यानी दोनों चीज में अलग अलग बनना है सेम नहीं बना है, यहाँ पे सीधे आप तीन ले लेते हो ठीक, यहाँ पे सीधे क्या है तीन है और वहाँ पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है डिपेंड किस पे क्या आप फाइंड कर रहे हैं, दोनों में रिलेशन अलग अलग है तो नोट कर लीजिएगा, एक इधर के साथ बनेगा एक इधर के साथ डाट डाट से बनाते हैं बेटा,
इधर के साथ हो जाएगा और एक इधर के साथ। एक वाटर मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग में फोर वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बांड से बॉन्डिंग कर सकता है। मैक्सिमम कैपेबिलिटी फोर की होती है। जब हम लोग टेम्परेचर वगैरह चेंज करते हैं तो यही आपकी टेंडेंसी जो होती है वो चेंज होती है। जब आपका लोअर टेम्परेचर होता है तो टेंडेंसी घटती है, आप 4 डिग्री से जब इंक्रीज करना शुरू करते हैं फिर टेंडेंसी हमारी चेंज होती है। मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो होती है 4 डिग्री पर होता है, इसीलिए डेंसिटी मैक्सिमम क्या 4 डिग्री पर आपका वाटर का क्या ले जाता है वो लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे इसके बेस पर प्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। आगे देखेंगे एक क्रिटिकल पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन डेंसिटी देखिएगा, आर इन पेजिंग टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, आर इन पेजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस बट मास विल रिमेंस कांस्टेंट। हम बॉइलिंग पॉइंट से बिलो की बात करते हैं बेटा, इसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो वेपराइज किया जाएगा, उसको बिलो बॉइलिंग पॉइंट आप डिस्कस किया जाता है, अंडरस्टूड रहता है। ठीक, वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस बट डेंसिटी क्या, मास विल बी रिमेंस क्या सेम, सो डेंसिटी विल बी, सो डेंसिटी will be decreases, density will be decreases, so density की value होती है हमारे क्या करती है decrease करती है। ठीक, अब reason क्या होगा, जब temperature rise कर रहा है तो volume decrease कर रहा है और उसके mass आपका constant है बेटा, तो density equal to mass by volume होता है, volume बढ़ेगा तो density हमारी क्या करेगी घटेगी, volume जैसे जैसे rise करेगा density की value उसी ratio में हमारा क्या करता है decrease कर रहा है, और temperature के साथ अगर आपका relation करते हैं तो नीचे निकल जाएगा। देखिए, इफ थर्मल कोफिशियंट ऑफ बालून एक्सपेंशन, इफ थर्मल कोफिशियंट ऑफ बालून एक्सपेंशन इज गामा, गामा से निकालते हैं अल्फा बीटा गामा बीटा, गामा थर्मल कोफिशियंट ऑफ बालून एक्सपेंशन, इफ थर्मल कोफिशियंट ऑफ बालून एक्सपेंशन इज गामा एंड राइजिंग टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा, एंड राइजिंग टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा, राइजिंग टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा देन रो डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, अगर हमारा इनिशियल हमारा डेंसिटी रो थी, इनिशियल डेंसिटी रो था और बाद में डेंसिटी थीटा टेम्परेचर डेल्टा थीटा चेंज करने पर रो डैश हो गया, तो रो डैश और रो के बीच में किसी को रिलेशन मालूम, रो डैश एंड रो देखो अगर बेसिक थे तो निकालेंगे बेटा, मान लो बाद में डेंसिटी रो डैश हो गया, बाद में डेंसिटी रो डैश और पहले बाद एम अपान बी डैश अपान एम बाई क्या होगा, बी होगा, मास की वैल्यू डिफरेंस क्या रहेगा सेम सेम, मास की वैल्यू सेम बेटा, तो ये कैंसिल, ये हो गया वी अपॉन वी डैश। अगर टेम्परेचर में थीटा का चेंजमेंट है, डेल्टा थीटा के चेंजमेंट कर रहे हैं, तो बालून किसी लिक्विड का होता है वी इक्वल टू वी नॉट वन प्लस क्या गामा इंटू डेल्टा थीटा होता है। ठीक, उसमें जो ट्रीटमेंट हो रहा है, मान लो पहले बालून वी था तो वी इंटू गामा इंटू डेल्टा थीटा का क्या हो जाएगा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी प्लस डेल्टा पी जो इंक्रीजमेंट आपका होगा, और इंक्रीजमेंट की वैल्यू आपका होता है बेटा वी, ये होगा वी प्लस गामा इंटू कितना डेल्टा थीटा, इन दोनों में देखो वी की वैल्यू कॉमन है, नीचे वी कॉमन है तो आएगा वन प्लस गामा इंटू कितना डेल्टा थीटा इक्वल टू रो डैश अपॉन रो। ठीक,
ये पी भी दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये बचा हमारा तो देखो जो कि पहले लोड है निकालेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा। लेकिन अपॉन वन प्लस गामा इनटू डेल्टा के करते हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट है इसी रिलेशन की जरूरत है। आपको अगर चाहिए पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक, तो नीचे लिख लीजिएगा इनिशियल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लो, इनिशियल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लो एंड वॉल्यूम इज बी, वॉल्यूम इज बी एंड आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई डेल्टा थीटा, एंड आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई डेल्टा थीटा, आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई डेल्टा थीटा, आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई कितना लिखा डेल्टा थीटा, अगर डेल्टा थीटा इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम बिकम्स बी डैश, वॉल्यूम बिकम्स बी डैश एंड डेंसिटी रिड्यूसेस टू रो डैश, रिड्यूसेस कर लो डेंसिटी बिकम कर लो एंड डेंसिटी बिकम्स रो डैश, डेंसिटी बिकम्स रो डैश देन डेंसिटी की वैल्यू रो डैश हो गया और क्या वॉल्यूम की वैल्यू बी डैश हो गया, देन यहाँ से नोट कर लो करेंगे,
एटमॉस्फेयर से डेंसिटी बेटा घटने लगता है, डायरेक्टर पर रहेगा, जीरो से फोर के बीच में बढ़ेगा, फोर से अब करेंगे फिर क्या करेंगे वो घट जाता है। ठीक समझेगा, ये तो कहानी हो गई हमारे बेटा डेंसिटी वगैरह कैसे बैठेंगे क्या करेगा। उसका भी हिसाब से पढ़ा होगा प्रेशर ई, ठीक सिंपल मामला बेसिक हमने पढ़ते हैं, प्रेशर का क्या फोर्स पर यूनिट एरिया बने है ना, तो प्रेशर की जो वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा तो लिक्विड प्रेशर की बात करें, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी लिक्विड की वजह से अगर आप प्रेशर की बात करते हो तो वो कितना मिलेगा कैसे मिलेगा। ठीक तो लिखिएगा फिर बनाइए प्रेशर डे टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर डे टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर डे टू लिक्विड कॉलम। आपको पानी में डिप किया जाए तो प्रेशर जो आपके
लगेगा बढ़ेगा घटेगा घटेगा बढ़ेगी वैल्यू या घटेगी घटेगी कहाँ चलेंगे सर भाई लग के बाइक ही लाए अभी ये चलेगा तो यहाँ से आप दिखाओगे ना ठीक है जब हम बात करेंगे प्रेशर की तो ऊपर से नीचे आएंगे तो फर्क प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो अगर कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ मिलेगा तो बॉटम पे मिलेगा यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा टॉप वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग पी आर लेंगे यहाँ जो प्रेशर आपका होगा बॉटम पे तो पी पी की जो वैल्यू होगी अगर पी बॉटम हम लोग कह लें उसकी वैल्यू हो जाएगी पी आर प्लस लिक्विड कॉलम से यानी पी एल लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा मतलब इस बेस पे यानी जो इसकी तली होगी जिसे आप कह लो यहाँ से अगर आपने ले लिया इसकी वैल्यू सपोज एट एच डैश में
एच डैश है, उस केस में अगर कहा जाए कि टोटल फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगा, मान will be some up atmospheric pressure
If we sum up atmospheric pressure, and pressure due to liquid column, बेटा ऐसे बना लीजिए और फिर यहाँ से आप क्या करिए नोट कर लीजिए प्रेशर डिटो लिक्विड कॉलम दिया जाएगा तो यूनिफॉर्म में दिया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म में। अगर जैसे इसमें हमने लिया
ये तो आपको जो टाप है आप कह रहे थे पिनार, पिनार की दीवारों पे सो गई ठीक। उसके बाद जैसे जैसे उसकी डेप्थ आप बढ़ाते जाओगे या उसकी डेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे लिक्विड की, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू भी क्या करेंगे इंक्रीज करती जाएगी। तो अगर डेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड की बात करेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है बेटा, तो हाइट जैसे जैसे लिक्विड कॉलम का बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है। हाइट बढ़ने के साथ साथ हमारा प्रेशर क्या होगा, जो उसके बॉटम पे प्रेशर टोटल मिलेगा उसकी वैल्यू भी तेज करती जाती है, प्रेशर पॉइंट करके नीचे लिख लीजिएगा। डेंसिटी जो लो है वो सभी के लिए कैसे है,
देखिए जो डेंसिटी है सभी में सेम लिक्विड को भरा गया है, सभी में लेवल लिक्विड के सेम सेम है। ठीक, अगर मान लो मैं इसको दिखा दिया, इसके लिए मान लो प्रेशर के बॉटम में प्रेशर की बात हम लोग पी ए कह रहे हैं, इसमें प्रेशर की वैल्यू पी बी है बेटा, यहाँ जो प्रेशर की वैल्यू है ये पी सी है, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू पी डी है और यहाँ प्रेशर की वैल्यू पी ई। बोला क्या जा रहा है पी ए पी बी पी सी पी डी में सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, सबसे कम किसकी वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम कौन, पी डी सबसे ज़्यादा पी ए पी बी पी सी पी डी पी ई चारों पाँच उन्होंने अलग अलग से पिघा लिया है, पी ए पॉइंट इसमें लेकर तो सेम लेवल तक सेम लेकर तो प्रेड किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ मिलेगा, सेम भी कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट वाले पहले जो है डिफरेंट वाले कहाँ ज़्यादा मिलेगा, हम क्या बोल रहे हो
क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ यूज करेंगे, वो चीजें। और बाकी आपका फ्लूइड
लिफ्ट क्या होगा, कैसे मूवमेंट होगा, डिस्कस किया जाएगा, उतना आप थोड़ा सा कराएंगे, ठीक है।